वालों का कितना विकास हुआ? इस टाइम क्या विकास हुआ है ऑटो वालों का? इस टाइम पे तो स्थिति बहुत खराब हो रखी है कोरोना के बाद में, तो इस टाइम काम के हालात है ना कुछ ज्यादा खराब हो गए हैं। काम है ही नहीं। एक तो केजरीवाल ने ना बस फ्री करके और महिलाओं के लिए और दिक्कत कर दी है, तो महिलाओं ज़्यादा कर तो महिलाओं सफ़र कर दी हैं ऑटो के अंदर जी। अब बस फ्री होने के कारण है ना ज़्यादा कर वही जरूरतमंद सवारी पसंद कर दी ऑटो के लिए। अच्छा ये बताइए कि गुजरात में जाकर कहा जा रहा है कि दिल्ली में ऑटो वालों का काफ़ी विकास किया गया है, इसीलिए गुजरात में भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बनने के बाद वहाँ पर भी सारी सुविधाएँ दी जाएंगी, फ्री पानी, फ्री बिजली और भी तमाम ऐसी सुविधाएँ। ये सब बेकार की बातें हैं, ये तो चौचलेबाजी कर दी हैं सरकारें। जो भी आती हैं ऐसी सरकार बनने से पहले तो बहुत सारे वादे कर दिए, उसके बाद में कुछ नहीं करती। ऑटो वालों के साथ में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। बताओ अभी ऑटो वालों की बताओ, सीएनजी के दाम देखो कितने महंगाई हो रखी है। क्या प्रॉफिट करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? गुजरात में जाकर एक ऑटो वाले के घर ऑटो से जाना सीएम अरविंद केजरीवाल का, और वहाँ जाकर खाना खाना, तो क्या ये राजनीति है या एक उनकी प्रतिभावना? ये सब राजनीति के क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। देख रहे हो ठेके दुनिया भर के खुलवा दिए, नशा करा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इससे फ़र्क पड़ रहा है परिवार पे। बहुत बताओ लोकल आदमियों पे फ़र्क पड़ रहा है, और जो बिजनेसमैन हैं वो तो अपने लिमिट के हिसाब से पीते हैं, और जो लोकल परिवार के हैं वो तो सोचते नहीं है, उनने तो इतनी स्था है नहीं सोचने समझने की, वो तो उन्हें पीने से मतलब है। एक तो मोल लेकर पीते थे, एक फ्री की मिल गई उन्हें, डबल नशा होता उनके लिए। कि दिल्ली में विकास कितना हुआ है ओवरऑल, कि एमसीडी ने कितना काम किया है पिछले 15 सालों? एमसीडी ने तो खैर काम किया है, एमसीडी ने तो काम किया है, मगर साफ सफाई कितना देखते हैं? हर कोने में आप जाते होंगे, ऑटो लेकर जाते होंगे, सवारी आपको हर जगह की मिलती है। साफ सफाई होती है खैर, ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ नहीं हो पाती ठीक से साफ सफाई। अब जैसे VIP ला के होते हैं उसमें तो जैसे कि ज़्यादा कार्रवाई होती है, ज़्यादा अच्छी सुविधा दी जाती है। अब लोकल इलाके होते हैं उसमें थोड़ी ना इतनी साफ सफाई, वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता ज़्यादा। आम आदमी पार्टी जो बार बार तंज कस रही है BJP पर, क्या वो सही कर रही है? वो गलत है। जितना तो किसी सरकार ने परेशान नहीं करा जितना कि BJP ने और आम आदमी ने परेशान कर रखा है। देश के हालात है ना कुछ ज़्यादा खराब हो।